के बाद हम लोगों के 10 रन हुए और तीन विकेट ले लिए। हमारे नए बैट्समैन जा चुके हैं इशार काजी और ये हमारे बैट्समैन बल्लेबाज, हमारे जो बेहतरीन बल्लेबाज थे वो आउट हो गए। तो दोस्तों ये लास्ट ओवर है, 9 ओवर में हमारा स्कोर 50 रन तक पहुंच चुका है 5 विकेट के साथ। हमारा भाई पढ़ा जो भी बाकी है, लेकिन बैटिंग नहीं है अभी तक जो अकरम भाई, अभी बाकी हमारे जो हमारी टीम का आंद्रे रसल है, सामने वाले प्लेयर जो है ना जो मेन ऑर्गेनाइज करी मैच, वो बोलते हैं तुम उतरे नहीं, 8 ओवर हो गए ना, वो बेचारा उसमें सोचने अभी लास्ट ओवर है, अब देखते हैं कहां तक टारगेट जाता है 50 रन हुआ। इस बार हमारे कुखार बैट्समैन अकरम शेख जा रहे हैं इनिंग का लास्ट बॉल। और ये रन आउट। दोस्तों ये दूसरी इनिंग का पहला बॉल मिस। दोस्तों यहाँ पर मगज मारी हो गई, एक एम्पायर ने आउट दिया, एक एम्पायर ने नॉट आउट, तो उसी की मैटर चल रही है। वैसे पिच की आवाज तो आई नहीं थी कुछ, लेकिन एम्पायर ने आउट दे दिया। ये थे बैट्समैन जिसके हाथ में बैट है, यही थे बैट्समैन। आउट है भाई, फाइनल रिजल्ट आउट। भाई फाइनल रिजल्ट। तो भाई यहाँ पर मेडल कुछ डिस्प्ले होते जा रहे हैं, विकेट तो दे दी लेकिन ओवर काटने की बात की जा रही है, क्योंकि ये लोग लेट आए थे टाइम से। तो लोगों का ऐसा कहना है कि 9:30 बजे की मैच थी और 10:30 बजे आए तो ओवर काट दी जाए और ये लाल ट्रेन वाले को आउट दे दिया। यही थी आज की न्यूज़ और वो भाई रो रहे हैं। तो अब मैच आगे चालू होगी तो मैं आपको बताता हूँ। और ये भाई रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं। हमारा टीम का चैप्टर अब बनने वाला है, पैतू। यहाँ पर हमारे दर्शकों का चैप्टर पैतू होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि 36 बॉल में 21 रन की जरूरत है और बल्लेबाज काफी खूंखार खेल रहे हैं। और ये सिक्स बहुत ही अच्छा शानदार बेहतरीन शॉट खेलते हुए और हम टीम का पैतू हो गया है। और भाई ऐसे में हम लोग हार गए। अब एक दूसरे को ऊपर नाम आने वाला है कि उसकी वजह से हारे, इसकी वजह से हारे। बेहतरीन तरीके से हम लोग हार चुके हैं, चीटिंग की बात भी हम हार गए, चीटिंग की बात भी दोस्तों हम लोग हार गए और वो लोग खुशी मनाते हुए। यहाँ पर हमारी टीम हार के आते हुए सब हार चुके हैं। 6 ओवर में ही टारगेट चेक चले। आपका क्या कहना है भाई मैच के बारे में? आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना भाई, मतलब एक ही जगह दो दो रन बांटते बोल दिया। किसकी वजह से आ रहे करी? अभी कुछ कह नहीं सकते, गलती सबकी होती है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे पूरी मेहनत। क्या बात है, क्या बात है भाई। अभी मैं तो टिप देने वाला था ना भाई, अब तो टिप देता तुम्हारे को
वो ऐसा कि यहाँ बच्चों तो भाई जो सोचता हूँ ना कि जो नॉर्मल बॉल रख सकते हो वो आइयो मत उनसे भी टूर्नामेंट के अंदर, मेहरबानी करके भाई भाग मत लियो, ना इज्जत रहेगी, ना पैसा रहेगा, ना टाइम रहेगा, ना नींद रहेगी, ना नाश्ता रहेगा। जो लोग सोचता हूँ ना कि हम लोग भाई रम लेके फॉर्म में भूल मत करियो, हमारी जिंदगी ऐसी है खचिए खचिए आते खच 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 बॉल। तो जो भाई जो है ना ऑफिस के जो प्लेयर है ना जो बॉलिंग पर रमते वो लोग यहाँ मतलब सोचो कि भाई बॉलिंग पर हम तो रमते थे यहाँ रम लेके, ऐसी गलती मत करियो। वो जो वहाँ पे पीच है वहाँ भी हम हमारी इज्जत गिरा के थोड़ी, पर अभी हमने सोचा है कि अब हम 3 साल बाद ट्राई करेंगे वहाँ पर। हमारे थोड़े बैट्समैन के हिसाब से थोड़ी तकलीफ हुई, बाकी बॉलिंग अच्छी थी फिर भी थोड़ी टीम में थोड़ा जा रहा है इंसान आपको दिख रहा है वो ठेक बेचारा यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से हमारे मैच देखने आया, 150 किलोमीटर ये हौसले के साथ ये कुछ कर सकेंगे हम पर नाकामयाब रहे। ये भाई भी ये भाई ठेक अपने केरला से आए ले ये हौसले के साथ, ये मेरा खास दोस्त है बचपन का स्कूल में था वो टाइम पे, बाकी ये इसके कुछ इसके पापा के बिजनेस के हिसाब से केरला शिफ्ट हो गया है, पर ये आया फिर भी कि चलो टूर्नामेंट है दोस्त के लिए तो आऊँ, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बेचारा निराश होके जाएगा अभी। पर गलती इसमें मेरा भी नहीं ना, एक बोल तो रमा भाई ओवर थी उसमें भी तुम आउट हो गए यार, फिर उसमें रन नहीं पाका तो क्या करने का, अपने तो यार मैं कीड़ा लसकर बोल बहुत बिगड़े। चलो देखते हैं नेक्स्ट सीजन में मैं मिलूंगा आपको फिर से, बाकी मेरे भी यूट्यूब चैनल है, बाकी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा वो आपको ऑटोमेटिक ढूंढने पड़ेगी। ठीक है ओके, प्लेयर अच्छे होने चाहिए, अब आएंगे हम मिलेंगे 1 साल बाद पूरा तैयारी के। अक्कू भाई बोल कर गए अभी तुम 3 साल बाद आओगे और तुम बोल 3 साल बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 साल तक अगर तुम सीख ना सको 3 साल बाद पूरी तैयारी करके आएंगे, पूरा तैयार होके आएंगे, बॉलिंग बैटिंग सब प्रॉपर फील्डिंग सब। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये एपिसोड और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले।